हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल दिल मीडिया सुरजापुरी में। तो दोस्तों अभी फिलहाल जो है हम आप सबको पता ही है कि कश्मीर के मैं हूँ और आप सब हमें तो जानते ही होंगे, दानिश आर के नाम है मेरा। तो दोस्तों अभी ये आप सबको जो भी अभी हमारे वीडियोस को देख रहे हैं तो हमारे इस वीडियोस को जो है आप सब सबसे पहले लाइक कर दिए और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दिए। ये मास है क्योंकि मास पहनना ज़रूरी है। तो बहरहाल अभी फिलहाल चेहरे के लिए एक्सप्रेशन के लिए जो है हमने इसको हटा दिया है। तो दोस्तों अभी आप सबको हम दिखाने वाले इतनी खूबसूरत जगह दिखाने वाले हैं कि पूछो ही मत, बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है और यहाँ पर खचाखच जो है बर्फ़ से भरा हुआ है और जिसको कुदरती बर्फ़ बोलते हैं कश्मीर के अंदर, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है दोस्तों। क्योंकि आप सबको छोटे मोटे वीडियो बर्फ़ नहीं दिखाएंगे हम, और एक बहुत बड़ा नाला है जहाँ पर अभी हम स्टेम खड़ा है। आप देख सकते हैं कि हमारे बैकग्राउंड में आपको जो रंग है ये तिरंगा वाला जो रंग है इसके अंदर, ये हमारा सब लोगों के झंडे का निशान है और ये बहुत ही खूबसूरत है। ये पुल, ये लोहे का पुल है, ये बहुत ही खूबसूरत है और इसको बनाया गया है एक जो है नहर है जहाँ पर जो है 2017 में यहाँ पर बाढ़ आया हुआ था बहुत ही बड़ा, उसी के ऊपर ये बनाया हुआ है और ये टूट करके बिखर गया था ये पुल, लेकिन अभी फ़िलहाल इसको बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। अभी हम आपको दिखाते हैं कैमरा बैकग्राउंड करके कि आप देख सकते हैं कि इस साइड थोड़ा कैमरा अपनी इधर घुमाइए दोस्त, इधर है आप देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्त देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए कितनी खूबसूरत जगह है। ये देखिए आप, वो देखो यहाँ पर पहाड़ भी है, मत पूछो क्या 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 है वहाँ, बहुत ही खूबसूरत जगह है। आप देख सकते हो हमारे बैकग्राउंड में यहाँ पर, इसको देखो वो स्कूल है, सरकारी स्कूल है, बहुत ही खूबसूरत जगह है आप देख सकते हैं यहाँ पर। और हमारे पीछे आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए बर्फ़ कितनी बर्फ़ है, देख सकते हैं आप, देखो कितना सारा बर्फ़ है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ है इसके नीचे हाँ। और ये पुल का जो लुक है ना, इतना खतरनाक दिख रहा है कि पूछो मत, बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा है दोस्तों। तो अभी फिलहाल अभी हम लोग चल रहे हैं थोड़ा और थोड़ा आगे, आप सबको हम दिखाने वाले हैं। तो आइए हमारे साथ में, हमारे साथ में ये देख सकते हैं रिजवान भाई, मास्क हटाओ भाई हाँ। ये हमारे रिजवान भाई हैं जो हम लोग साथ में काम करते हैं और बहुत ही प्यारे दोस्त हैं हम लोगों के लिए और आप सबके लिए। हम सोचे कि चलो घूमने के लिए जाया जाए आज, और वैसे टाइम नहीं मिला था लेकिन सोचा कि आज मेरी वीडियो बनाया जाए और आप सभी को भी खूबसूरत दीदार कराया जाए इस जगह का। आप हमारे बैकग्राउंड में देख सकते हैं यहाँ पर इधर है और बहुत ही खूबसूरत लगता है यार आप। और यहाँ पर देख सकते हैं हमारे बैकग्राउंड में पूरे का पूरा, देखो वो पहाड़ को, देखिए पहाड़ को कितनी खूबसूरत नज़ारा है। ओह अभी हम आप सबको अभी जो है थोड़ा ये करके भी दिखाएंगे, कुछ जूम करके दिखाने वाले हैं। पुल को देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, कसम से ऐसे पुल बहुत ही ऐसे पुल मुझे लगता है कि कहीं है ही नहीं। इस तीन रंग वाला पुल जो है मुझे नहीं लग रहा कि कहीं पर है। अब देखिए पूरा पुल कितनी खूबसूरत लग रहा है, देखिए आप कितना खूबसूरत लग रहा है, आप लोग खुद ही देख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले लाइक कर दीजिए, कश्मीर के अंदर ये वाला पुल है और इस तरह बनाया जाए। बार हाल अभी हम लोग जो है फिलहाल इस साइड से भी जो है आप सबको दिखाएंगे, इस साइड से देखो ये दोनों साइड बर्फ़ ही बर्फ़ है और बीच में जो है ये रोड है और जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पर भी बर्फ़ है, देख सकते हो ये, देखिए ये हाँ ये देख सकते हो ये बर्फ़ है और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। ओह ये देखिए ठंड तो बहुत है यार, लेकिन क्या करें, आप लोगों के लिए आप लोगों को दिखाने के लिए हमने इसको बनाया गया और भी थोड़ा हम वीडियो को इसके अंदर जाएंगे, थोड़ा बर्फ़ के अंदर उस साइड जाएंगे उधर और देखते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है आप लोग वीडियो। तो दोस्तों देख सकते हैं ओह, क्योंकि ये बर्फ़ जो है काफ़ी ख़तरनाक होता है और फिसलू भी होता है, इसलिए बड़ा ध्यान से हमको जाना पड़ता है। देखिए पत्थर है यहाँ पर, अगर थोड़ा सा भी अगर चूक हुआ तो पत्थरों में जो है लग जाएगा और पैर वैर जो है फ्रैक्चर हो सकता है। तो उससे पहले कि हम थोड़ा सावधानी बरतते हैं और आप लोग को थोड़ा दिखाते हैं, बहुत ही नज़ारे आप देख सकते हैं यहाँ पर। वो देखो पहाड़ को देखिए, इसको देखिए, ओहो ये नज़ारे को देखिए आप, कितनी खूबसूरत नज़ारा है। और ये स्कूल को भी देखिए आप, बहुत ही खूबसूरत है। और उस साइड का देखिए आप दोस्तों, लाइक कर दीजिए वीडियो को क्योंकि ये ऐसे नज़ारे बहुत ही कम आप सबको देखने को मिलता होगा। लेकिन अभी फिलहाल हमारे चैनल से जो है हमने सोचा कि नहीं चलो आप हम देखने के लिए आ रहे हैं तो सोचा कि नहीं चलो एक वीडियो ब्लॉग बना लिया जाए आप लोगों के लिए, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। और चलो थोड़ा आप नदी के पास थोड़ा चलते हैं और आप सबको थोड़ा नदी के पास जा करके दिखाते हैं। उधर जो है वो जो दिख रहा है आपको थोड़ा ऊँचाई, वहाँ से नीचे सारा नदी है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, हम पहुँच रहे हैं नदी के पास, फिर दिखाते हैं आप सबको। और तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं नदी के पास, देख सकते हैं ये बर्फ़ से निकला हुआ पानी है और यहाँ पर भी बर्फ़ है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये देखो ये बर्फ़ है हाँ, और ये पत्थर है और ये बहते हुए पानी के साथ साइड में जो है ये सारा जो है बर्फ़ जो है ये जम गया है, देख सकते हैं आप ये सब बर्फ़ और ये बहता हुआ पानी है, झील है ये पूरा का पूरा, ये देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए दोनों तरफ बर्फ़ है और बर्फ़ से बहता हुआ पानी बीच से आ रही है और ये खूबसूरत सी नज़ारे। और मैं इस
इस पहाड़ की बात बता रहा था आप सबको, इस पहाड़ जो जो पहाड़ है इसकी बात बता रहा था कि मैं उस पर के बाद जा रहा हूँ, तो आप लोगों ने देखा होगा कि दूर से इतना छोटा दिख रहा था लेकिन यहाँ करके देख रहे को बहुत ही बड़ा पहाड़ है। और ये बर्फ़ का नज़ारा देखिए आप, बहुत ही खूबसूरत है। ओहो हो, और एक नाला है जो ये इधर से जाकर के उधर मिल गया है, और वहाँ पर भी एक पुल आप सबको दिख रहा होगा, ये दो पुल, एक पुल वहाँ पर भी है और नीचे नदी है, ऊपर पुल है। तो दोस्तों बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, अमेजिंग। और इधर जो है घर है, देखिए कश्मीर का घर। कश्मीर के अंदर यही तो फ़ायदा है कि मतलब यहाँ पर जो है तीन लुक नज़ारे देखने को मिलता है, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। लेकिन अभी के टाइम में अगर देखा जाए यहाँ पर, तो दोस्तों यहाँ पर अभी पूरा का पूरा वाइट है। एक हफ्ते जो पहले हमने जो नज़ारा आप लोगों को दिखाया था, और हमने खुद ही देखा था कि यहाँ पर पूरा का पूरा जो है बर्फ़ का जो मौसम है, पूरा का पूरा थोड़ा अंधेरा टाइप का होता है और बहुत ज़्यादा बर्फ़ जो है पड़ता है यहाँ पर, तो इसकी वजह से जो है उस टाइम पूरा का पूरा अंधेरा दिखता है। और मैंने आप सबको वो वीडियो इसके अंदर दिखाया हुआ है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो जाकर के देख लीजिएगा लाइव बर्फ़ कैसे गिरता है। और आज जो है पूरा का पूरा एक हफ्ता हो चुका है, तो नज़ारे बहुत ही कमाल का नज़ारा है, और आप लोगों ने देखा होगा वीडियोस के अंदर बहुत ही कमाल का नज़ारा है। तो दोस्तों बस हम लोग आज इतना ही है, क्योंकि हम लोग को आज अभी जो सोचा कि चलो आप लोगों को थोड़ा दिखा दिया जाए। तो दोस्तों और यहाँ पर ख़ास बात यह है कि बर्फ़ जो होता है इसके अंदर, बर्फ़ पड़ने की वजह से यहाँ के जितने भी घर होते हैं उसमें टीन लगा हुआ रहता है, यानी कि टीन लगा हुआ रहता है छत के ऊपर, ताकि छत का कोई परेशानी ना हो। और यहाँ पर हर एक घर में आपको टीन मिलेगा, चाहे वो दो मंजिला हो, तीसरा मंजिला, चौथे मंजिला, उसके ऊपर आपको टीन मिलेगा, ताकि क्योंकि बर्फ़ जो है वो आकर के चिपक जाता है, लेकिन जब टीन जो उसको जो थोड़ा टीन के ऊपर जो थोड़ा स्लोपिंग टाइप बनाते हैं घर के ऊपर, तो वो नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से घर के ऊपर जो है वजन जो है वो नहीं रहता है। तो दोस्तों चलो फिर चलते हैं, आप लोगों को नज़ारे तो हमने दिखा दिए हैं, और थोड़ा अब हम भी थोड़ा जाने का कोशिश करते हैं, क्योंकि हम आ चुके थे बहुत अपने रूम से बहुत दूर आ चुके हैं आप लोगों को नज़ारा दिखाने के लिए। सोचा कि चलो हमारे बैकग्राउंड में आप लोग देखो कितना खूबसूरत नज़ारा, ये देखिए वो है हमारा तिरंगा वाला पुल, ये देखिए हमारे चारों ओर हम आप सबको दिखा सकते हैं, इस पहाड़ के ऊपर भी देख सकते हैं कि कितना सारा बर्फ़ है। तो बहरहाल हम थोड़ा और जाएंगे, नज़ारा देख सकते हो दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। ओह तो चलो ठीक है, फिर बढ़िया से रहिएगा, हाँ, और खुश रहिएगा, आबाद रहिएगा, हाँ। और हम लोग जो है यहाँ से विदा लेते हैं, और आप सबको बलस ये हमारे भाई जो आप लोगों ने देखा होगा, इसने सुरजापुरी गाना गाया हुआ है, और भी बहुत सारे इनके वीडियोस आने वाले हैं शायरी वाले, तो मस्ते मस्ते शायरी तो देखते रहिए और लाइक करते रहिए, और हमारे चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए नए वीडियोस पाने के लिए। तो ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।